सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है लगभग 8300 पदों पर। तो जब बच्चे यहां पर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उनको यहां पर जो है सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने एरर आ रहा था यहाँ पर इनवैलिड डायमेंशन का या फिर इनवैलिड फॉर्मेट का। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है उसके पर दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जो है अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मतलब प्राइस हाइक के चलते नहीं ले रहे थे तो ये अभी आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। यहाँ पर मात्र ये 351 रुपये में टेक्स्ट बुक पास का जो ईयरली पास प्रो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है आप लोग जो भी एसएससी एमटीएस हो गया या फिर एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन, रेलवे का कोई एग्जामिनेशन, उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मल्टीपल री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको एंड विथ एनालिसिस आपको सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सारा चीज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकता है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, या फिर हमारा कूपन कोड एस कैफे आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट 12% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऑफर का वेट कर रहे थे तो ये लास्ट 30 जून तक का ये ऑफर है। 30 जून के बाद फिर से ये नॉर्मल प्राइस 600-500 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है, तो जाकर के इसको जरूर परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको क्या करना है सिग्नेचर के लिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, जैसे कि 10 से 20 के बीच में आपका होना चाहिए जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में, तो इसको आपको करना है। साथ ही साथ ये डायमेंशन चेंज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ आपको साइन जो है अच्छे तरीके से ब्लैंक पेज में कर लेना है, और वो भी ब्लैक इंक पेन से करना है, ठीक है। उसको करके आप जो है कोशिश कीजिए कि HD क्वालिटी में आप इमेज को क्लिक कीजिए, ठीक है। या फिर आप एडोब जो स्कैनर होता है या फिर डॉक स्कैनर होता है, आप उस ऐप से स्कैन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद अब बारी आता है दोस्तों इसका रिसाइज करने का। तो रिसाइज करने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। रिसाइज करने के लिए आपको आना है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर लिखना है IM रिसाइजर, ठीक है। ये लिख करके जो है आपको सर्च कर देना है, पहला वाला लिंक मिलेगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखिए चेंज फाइल साइज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको सिलेक्ट फाइल पे यानी अपलोड इमेज पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड जिस भी सिग्नेचर को आप जो यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं सिंपल से आपको यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको इसका डायमेंशन चेंज करना है, उसके लिए कंप्रेशन सेटिंग रहेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। चेंज क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से इस यूनिट को आपको पिक्सल में रहने देना है, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं कीजिएगा, सेंटीमीटर में नहीं ले रहा है इसीलिए पिक्सल में ही रहने दीजिएगा। एंड अब यहाँ से दोस्तों आपके सामने जो है हाइट और वेट पूछा जाएगा, ठीक है। तो हाइट और वेट में क्या फिल करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो विड्थ में जो है आपको यहाँ पर 450 यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, 450। एंड जो आपका हाइट है फ्रेंड्स इसमें आपको 230 फिल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यही डेटा आप फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये फिल कर दीजिएगा, फॉर्मेट में JPG रहने दीजिएगा। उसके बाद फाइल साइज में आपको 15 KB सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये चीज़ करने के बाद ऊपर में नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका इमेज जो है यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, 13.5 KB का। एंड मुझे अपलोड भी करना है 10 से 20 KB के बीच में, तो मेरा ये प्रॉपर तरीके से हमारा मतलब साइज़ भी वही है। अगर इन केस अगर आपका जो है साइज़ छोटा हो जाता है, जैसे कि 10 KB से कम का हो गया है, तो ऐसे में आप उसको कैसे इंक्रीज़ कीजिएगा, तो उसके लिए आपको PI7 टूल का यूज़ करना होगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके इंक्रीज इमेज साइज़ पर क्लिक करके जो भी फोटो है उसको आप यहाँ से जो है इम्पोर्ट कर लीजिएगा, जो भी आपने डाउनलोड किया था रिसाइज करके, अभी उसको यहाँ से करके अब इसको जो है यहाँ पर रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रिसाइज करके यहाँ से डाउनलोड करके तब अपलोड कीजिएगा। मेरे केस में यहाँ पर 15 KB का ही है, तो मैं 15 KB का यहाँ से जो है मैं कर लिया हूँ। अब मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के लिए मैं आता हूँ यहीं पर, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, अपलोड सिग्नेचर पर मैं जाता हूँ। एंड जो भी मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट में यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अपलोड, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। तो इसी तरीके से जो है आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, लेकिन ध्यान देना है कि अपलोड करने से पहले आपका फोटो जो है ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर होगा तो उसको अपलोड मत कीजिएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने स्टेप्स बताया आप उसको फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए कि HD क्वालिटी में इमेज को मतलब पहले क्लिक कीजिए, ठीक है, तब जाकर के आपका ब्लर नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खाली है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। एंड इस सॉल्यूशन के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करके वीडियो लाते हैं, तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि SSC से जुड़ा हर एक अपडेट आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।